तो अब इसको अगर हम इम्प्रूवड सलूशन uh, की तरफ लेकर जाएं जाएँ प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट का जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर ये छः रूम्स हैं तो इसके बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो असम्बली डिपार्टमेंट है उसके करीब हमें ये मशीन शॉप पेंटिंग ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह शिपिंग डिपार्टमेंट उसके करीब लोकेट होना चाहिए तो हमने एक्चुअली क्या किया है कि जो हमारा प्रीवियस लेआउट था उसमें असम्बली लाइन इधर थी और पेंटिंग इधर था हमने उसको बस सिर्फ शिफ्ट किया हमने पेंटिंग डिपार्टमेंट को पहले रूम में ले गए और असेंबली लाइन को दूसरे रूम में ले गए और बाकी हमने उसी तरह छोड़ दिए तो उसके अंदर ये हमारा जो बाकी वो है उससे हमें कितना फायदा हुआ है वी कैन लुक एट दैट कि उसके अंदर कॉस्ट की इम्प्रूवमेंट हमारी क्या हुई हमने इसको मूव करके हमने जो हमारा असम्बली और डिपार्ट मशीन शॉप के अंदर हंड्रेड की मूवमेंट थी उसको हमने थ्री यानी कि टू ब्लॉक्स मूव करने के बजाय वन ब्लॉक मूव कर कर उसको हमने रिड्यूस कर दिया सो नाउ इट इज़ नो लॉन्गर टू हंड्रेड डॉलर्स बट इट विल बी वन हंड्रेड डॉलर तो उसके अंदर हमारी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है उसको अगर हम देखें स्कीमेटिकली उसको डिपार्टमेंट के अंदर मूवमेंट को अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया वन और थ्री के दरमियान वन हंड्रेड की हुई है पहले वन और थ्री के दरमियान ट्वाइस द डिस्टेंस मूवमेंट हो रही थी वन हंड्रेड टाइम तो उसके बेसिस के ऊपर अगर हम इसको द अदर प्रायरिटी वॉज हंड्रेड की मूवमेंट बिटवीन थ्री एंड सिक्स वो भी वन ब्लॉक के ऊपर ले आए हैं फिर हमारी इंपॉर्टेंट थी नंबर टू प्रायरिटी वाज अबाउट फिफ्टी टाइम्स की मूवमेंट एंड दैट आल्सो वी हैव ब्रॉट इट बैक टू वन ब्लॉक की मूवमेंट रेस्ट जैसे मैंने कहा कि वो अपने प्लेस में खुद फिर आ जाते हैं कि बाकी जो स्पेस बची है उसमें दूसरे डिपार्टमेंट फिक्स कर दें मैंने जैसे पहले भी बताया कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम सारी रिक्वायरमेंट एक ही उसमें मीट कर लें बट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि बेशक सारी रिक्वायरमेंट पूरी तरह मीट ना हो लेकिन हम टोटल ट्रेवल जो कर रहे हैं ये हमारा मटेरियल वो मिनिमाइज हो जाए उसके अंदर जितना भी हम उसको रिड्यूस कर सकें हम उसको रिड्यूस कर लें अब उसके अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो उसके बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो कॉस्ट हमारी आ रही है फोर हंड्रेड एंड एटी डॉलर सो प्रीवियसली इट वॉज आई थिंक फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी नाउ इट इज़ फोर हंड्रेड एंड एटी वी हैव अगेन सब्सटैशियली इम्प्रूवड ऑन द कॉस्ट और इस कॉस्ट को हमने रिड्यूस किया है मीनिंग के जो ज़्यादा टाइम्स मूवमेंट हो रही है उनको ज़्यादा क्लोज हमने कर दिया है और जो कम टाइम मूवमेंट हो रही थी वो हमने उसको डिस्टेंस के ऊपर उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है तो उसका इफेक्ट कम ही पड़ा है तो इस तरह हम इसको जो प्रोसेस लेआउट है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज सिक्स स्टेप्स